संदीप नाइक ने नवी मुंबई कोपर खैरने में अपनी निधि द्वारा निर्मित ज्येष्ठ नागरिक वर्मुला केंद्र का उद्घाटन किया। क्रांति सिंह नाना पाटिल गार्डन में आयोजित इस उद्घाटन अवसर पर पूर्व नगर सेविका भारती पाटिल और नगर सेवक रविकांत पाटिल सहित क्षेत्र के कई मान्यवर और स्थानीय रहवासी मौजूद थे। संदीप नाइक ने खुद स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों को फूल और शॉल देकर उनका सत्कार किया। वार्ड क्रमांक 52 इस इलाके में सभी ज्येष्ठ नागरिक और यहाँ पे काम करने वाले मेरे कार्यकर्ता एनजीओस उनके माध्यम से स्थानिक आमदार लोग निधि कहाँ पे जाना चाहिए तो सजेशंस लोगों के माध्यम से मेरे पास आए। डॉक्टर भोसले जी हो, हमारे हंडे पाटिल जी हो, भारती ताई हो, रविकांत जी हो और इस वार्ड के हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, उन्होंने लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो जिस चीज़ का निर्माण होना आवश्यक है वैसे जगह पे आमदार निधि यूज़ किया जाए, ऐसी बात उन्होंने मुझे बताई। और मैं आज भाग्यवान हूँ कि आज इस जगह पे विरंगुड़ा केंद्र का लोकार्पण हुआ है और काफ़ी बड़े संख्या में इसी वार्ड के अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांतों से, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलाओं से आए हुए सभी नागरिक जो ज्येष्ठ नागरिक हैं उनके उपस्थिति में आज इस विरंगुड़ा केंद्र का लोकार्पण हुआ है। तो इससे ज़्यादा मैं खुशी नहीं समझता हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो मांग लोगों के माध्यम से आई है, लोगों का ही निधि, हम MLA के तौर पे काम करते हैं लेकिन लोगों का ही वो निधि है, सिर्फ हम लोग उसका प्रस्ताव देते हैं और वो मंजूर करके उसका काम शुरू होता है। तो सही जगह पे निधि जाना ये काफ़ी ज़रूरी है। नवी मुंबई शहर एक ऐसा शहर है कि भारत में और शहरों की तुलना में नवी मुंबई हर स्तर में आगे है और वो स्तर एक दिन में, एक साल में, दो साल में, पाँच साल में नहीं हुआ है। ये 20 सालों में पहले ग्राम पंचायत के बाद नगर पालिका और नगर पालिका पहले 5 साल का कार्यकाल, उसके बाद में का 5 साल का कार्यकाल, ऐसे 5-5 साल के ये 4 टर्म इस शहर का नेतृत्व आदरणीय गणेश जी नाइक साहब को दिया है। और जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत है, हमारे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद पानी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए HDPE बनाने की ज़रूरत है, हर समय उस समय की ज़रूरत समझते हुए आदरणीय नाइक साहब के विजन में इस शहर का निर्माण हुआ है। और जैसे और शहरों की तुलना में हम हर क्षेत्र में आगे, आज एजुकेशन में जो मुंबई जैसा शहर है वहाँ पे अभी तक CBSE स्कूल नहीं है। जब भी हम लोग यहाँ पे भाषण में बताते हैं कि आज महाराष्ट्र में आप शहर दिखाओ जिसके पास CBSE स्कूल की शुरुआत है तो ये नवी मुंबई शहर है। अभी हमारे नवी मुंबई के देख के मुंबई और थाना सीख रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा शहर जैसे हर क्षेत्र में बड़ा है, वैसे ज्येष्ठ नागरिकों को सुविधा देने में भी हमारा शहर अव्वल नंबर पे होना चाहिए। आज मुझे लगता है कि जो सुविधा ज्येष्ठ नागरिकों को दी जा रही है और हर तरीके से हमारा शहर आज ज्येष्ठ नागरिकों के लिए और शहरों की तुलना में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें समाधान नहीं है। और कोई राज्य में और कोई महानगर पालिका में और हमारे देश के बाहर जो सुविधा ज्येष्ठ नागरिकों को दी जाती है वो सब सुविधा हमारे शहर में लाने का प्रयास हमारा निश्चित रूप से रहेगा। इस वार्ड में मेरा आमदार निधि सबसे ज़्यादा मैंने दिया है क्योंकि ये वार्ड एजुकेटेड वार्ड है और इस वार्ड की ज़रूरत, इस बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल इस सही ढंग से करने वाला वार्ड, इस वार्ड को हम लोग देखते हैं। हमेशा ही जो लोक प्रतिनिधि, जो नगर सेवक इस वार्ड में काम करने की लोगों की इच्छा थी लेकिन वो काम, नगर सेवक का प्रेजेंस इस वार्ड में हमें हमेशा नहीं देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा, हमारे लोगों के माध्यम से मुझे मिला हुआ ये आमदार निधि हो और लोगों की और समस्या सुलझाने के लिए भारती ताई, उसके साथ में हमारे हंडे पाटिल जी जब भी थे उनके माध्यम से और यहाँ के हमारे निकम डॉक्टर शिवदास भोसले और सभी कार्यकर्ता, इन्होंने वो कमी हमेशा महसूस नहीं होने दी। नाइक साहब के विचारों का नगर सेवक यहाँ पे नहीं है, नगर सेवक यहाँ पे लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, अभी लोगों को जानकारी भी नहीं है कि इस वार्ड का नगर सेवक कौन है, लेकिन ये वार्ड हमारे विचारों के पक्ष के साथ नहीं है,
ऐसा भेदभाव न समझते हुए भी इस वार्ड में मैंने आमदार निधि दिया और इस वार्ड की समस्या भी सॉल्व करने के लिए हमारे जो बाजू के वार्ड के नगर सेवक जैसे भारती ताई का मैं यहाँ पे उल्लेख करूँगा, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा योगदान इस वार्ड के काम के लिए दिया है। और ये विरंगुड़ा केंद्र निश्चित रूप से जिस तरीके से बना है एक अच्छा, मेरे कार्यकाल में काफ़ी मेरा निधि ज्येष्ठ नागरिक, युवा, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वैसे जगह पे मैंने इस्तेमाल किया है। तो वैसा भी ये अच्छे जगह पे इस्तेमाल हुआ हुआ मेरा आमदार निधि करके इस विरंगुड़ा केंद्र का उल्लेख मुझे करना पड़ेगा। सिर्फ यह पे नहीं रुकते हुए आने वाले समय में और कुछ चेंजेस या मांग ज्येष्ठ नागरिकों की रहेगी तो सामान भी अगर निधि है तो निधि नहीं तो खासगी वैयक्तिक निधि से भी इनको देने का मैंने आश्वासन आज किया है। आज मुझे खुशी है कि काफ़ी बड़ी संख्या में आज ज्येष्ठ नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका सम्मान करने का मौका हमें मिला। हमें हमेशा देखते कि हम स्टेज पे उनको बुलाते लेकिन उनका अनुभव इतना है और उनकी उनके एज को मद्देनज़र देखते हुए हम खुद जाके उनका सम्मान करना चाहिए। तो मैंने भारती ताई को और रवि जी को कहा था कि हम उनको स्टेज पे नहीं बुलाएंगे, हम उनके पास जाएंगे और उनका सम्मान करेंगे। तो एक अच्छा माहौल हमें आज यहाँ पर देखने के लिए मिला और इनका मार्गदर्शन, इनका आशीर्वाद कि भविष्य में हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा निश्चित रूप से देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए कि ये बात सही है कि आज नवी मुंबई की डेवलपमेंट हुई है तो उसमें लोगों यहाँ पे आते रहते हैं, लेकिन नवी मुंबई को चार बार मीन्स 20 साल मैंडेट आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के विचारों को हमेशा नवी मुंबई के लोगों ने दिया। नवी मुंबई शहर में भारत के अलग अलग प्रांतों से, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग अपने एजुकेशन के लिए आए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने नौकरी के लिए, लेकिन इस सभी बदलती हुई स्थिति में हर साल अच्छी चीज़ें हमारे शहर में लाने का प्रयास हमेशा ही नाइक साहब के माध्यम से हुआ है। तो अभी जब भी कोई अच्छा होता है तो हमने किया, अगर शहर में कहाँ पे कुछ बुरा होता है तो तुम लोगों ने किया। जो कभी साल भर कोई जो दिखते नहीं है वो आते हैं और नाइक साहब का नाम नहीं लेंगे तो उनको भी महत्व नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को पद भी मिले हैं तो नाइक साहब की वहाँ पर बात करके ही उनको पद मिले हैं, तो ये सबको मालूम है। तो ऐसी आलोचना या ऐसे चीज़ों को हमको उसको मध्य उनको इम्पोर्टेंस दे देना चाहिए। शहर का विकास कि हमारा निश्चित रूप से हमारा फोकस रहेगा और आने वाले समय में अभी ये बात तो सही है कि जो झूठ बोलने वाले हैं वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ये हमने किया, लेकिन अभी सच भी थोड़े से धीमे आवाज़ में लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और ये सच ये नवी मुंबई में नाइक साहब के माध्यम से हुआ काम, यही उसकी आवाज़ ये नागरिकों को मालूम है। इस कोरोना के कालावधि में मार्च से शुरुआत और ये दिसंबर तक राजनीति नहीं करनी है, हमें लोगों की सेवा करनी है, इस कोरोना से शहर को सुरक्षित रखना है। इसलिए कोई पॉलिटिकल मीटिंग्स हो या कोई इसका ये पार्टी का नगर सेवक लो, ऐसे विचारों में हमको न रहते हुए हमको लोगों की सेवा करनी है। ये नगर सेवक कोई महत्वपूर्ण नहीं है, नगर सेवक को चुन के देने वाली जनता और कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। तो ऐसे लोगों को न महत्व देते हुए हमको जो लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए और उसको ही हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये जो निधि है तो निश्चित रूप से ये आज मैंने बोला है क्योंकि जनरली हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो हमने किसने काम किया है ये बताना हम लोग उचित नहीं समझते, लेकिन अगर कोई जोर जोर से चिल्ला के झूठ बोलेगा तो थोड़ा से हल्की आवाज़ में सच बोलने का तो हक हमको भी बनता है। इसलिए इस बात की आज मैंने पुष्टि की है। और ये जो आमदार निधि है, नगर सेवक निधि है, ये आमदार लोगों ने हमको बनाया, कि हम लोगों का निधि नहीं है ये हम माध्यम है कि हम लोग सब लोगों की समस्याएं समझते हुए शहर को जो ज़रूरी है वो लोगों तक पहुँचाने का काम हमें करना है। तो मैं यहाँ से नम्रता से कहता हूँ कि ये निधि है, ये लोगों का निधि है, उसका सही से इस्तेमाल करना, लोगों के ज़रूरत में लाना, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारे साथ भारती पाटिल मैम हैं जिनके हाथों जिनके ये में जो है अंडर में जो है संदीप नाइक सर के निधि से जो है यहाँ पे आज एक ज्येष्ठ नागरिक वर्गीकरण का जो है इनोग्रेशन हुआ है संदीप पाटिल के संदीप सर के साथ से। मैम बता पूछना चाहेंगे कितनी खुशी हो रही है, आपकी जो मेहनत है आज वो रंग लाई है। सच कहूँ तो वाकई में बहुत ही खुशी हो रही है। जैसा कि मैंने थोड़े शब्द बोले उसमें कहा था
कि हमारे जीवन में ज्येष्ठ नागरिकों का बहुत ही अहम साधारण महत्व है। मैंने कहा मेरे पिताजी, मैं बहुत छोटी थी तब गुजर गए और मेरे लिए बहुत दुख की बात है, अभी मेरी माताजी भी नहीं रहे, तो हर वक्त एक कमी सी रहती है, कोई त्यौहार हो, कोई समय हो कि लगता है किसके सामने झुके, किससे आशीर्वाद ले। तो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में ज्येष्ठ नागरिक देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और ये तो और भी एक प्राउड की बात है कि उनके लिए यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन सेंटर, विरंगुड़ा केंद्र जिसे कहते हैं, वो हो गया है। तो उनको जब भी वो बैठेंगे, समय व्यतीत करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या कोई और फंक्शन होगा, तो वो ज़रूर ये दुआएं देंगे कि बहुत अच्छी जगह बनी हमारे लिए जहाँ पे हम आराम से बैठ सकते हैं। विशेषतः बारिश के सीज़न जो होता है तो ये ग्रास है तो इसके ऊपर चलने से पैर फिसल सकता है, तो वो लोग कम आते यहाँ पर, रिस्क नहीं लेते। लेकिन अगर यहाँ पर अगर उनके लिए ठीक से बैठने की जगह हो तो मुझे लगता है कि पक्का वो इसका लाभ उठाएंगे। इसके लिए अच्छा लग रहा है कि कुछ हमने सबक का काम किया। संदीप नायक सर ने आपकी बहुत सारी तारीफ़ें की, जिस तरह से आप एक यहाँ पे एडुकेटेड जो माहौल है, यहाँ के जो जनता वो काफ़ी एडुकेटेड है, ऑब्वियसली इलेक्शन आ रहा है तो उनको भी ये ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह से आप उनको हेल्प करेंगे, इच्छुक जो है आप उम्मीदवार हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि शायद इस वार्ड के स्पेशली 14 सेक्टर के लोगों के लिए मैं अपरिचित हो सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये वार्ड 52 क्रमांक का वार्ड बिल्कुल अपरिचित नहीं है। जो मेरे पति श्रीयुत रविकांत जी पाटिल साहब का 33 नंबर का जो वार्ड रह चुका है उसमें इस वार्ड का हिस्सा शामिल था, लेकिन लास्ट टाइम पर जब ये बाइफकेट हुआ, मतलब तीन जगह में ये इसके टुकड़े हुए मैं कहूँगी, तो हमारा जो मेजर था जहाँ पर बहुत ज़्यादा निधि वो उनका डाल सके थे, क्योंकि कुछ कामें थी सिवरेज की वो उस टाइम हो रही थी, तो वो जो वार्ड था वो वार्ड क्रमांक 52 में आ गया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि हमारे रिश्ते वही बने रहे, हमने काम उनके लिए किया और पिछले 5 सालों में भी उनकी जब भी जो भी समस्या आती वो मैंने सॉल्व की है, इसके लिए मुझे ये बिल्कुल नया नहीं लग रहा है। और यहाँ के लोग जैसे अपने एजुकेटेड की बात की तो वो सही है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम अगर कुछ करते हैं उनके लिए तो वो भी अप्रिशिएट करते हैं, वैल्यू करते हैं, क्योंकि समझदार जनता है, उनको पता है कि कोई अपने लिए करता है, निधि देता है तो उसका क्या मतलब होता है। और मेरे वार्ड में सच कहूँ तो जगह ही नहीं है ऐसा कुछ करने की, वरना मुझे बहुत अच्छा लगता कि वहाँ के नागरिकों के लिए भी करूँ, लेकिन जैसे यहाँ गार्डन है, एटलीस्ट ये ग्राउंड है, वहाँ पे इतना भी नहीं है कि हम ज्येष्ठ नागरिकों के लिए कुछ करने का सोच भी पाएँ। थैंक यू मैम। तो ये भारती मैम थी जिनका साफ कहना है कि आज उन्हें जो है बहुत खुशी हो रही है कि जिस नागरिकों के लिए उन्होंने कुछ किया, और उनका ये भी कहना है कि आगे भी अगर मुझे मिला, अगर चांस मिला तो हर तरह के काम जो है वो करती रहेगी। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नाभी मुंबई।